और ये एक भाभी ने दी थी। बहुतरी भाभी ने और चाची ने तो बहुत खर्चा कर दिया। मैं तुझे पहले ही कह रही थी कि बेटा दोनों भाइयों के लिए एक एक जोड़ा ले जा, पर तूने मेरी मानी ही नहीं। बस मम्मी जी, मैं ना इसी मारे नहीं लेके गई कि चाची पे भी बोझ पड़ेगा और भैया भाभी पे भी बोझ पड़ेगा, इसीलिए मैं आपकी बार है ना दोनों भाइयों के लिए चांदी की राखी लेकर चली गई थी और एक एक परफ्यूम ले गई और भाभी के लिए ना इयर रिंग्स लेकर गई। मैंने ना भाभी को इतना मना किया कि भाभी इस साड़ी की ना कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, पर वो मानी ही नहीं। इतनी महंगी साड़ी पकड़ा दी, बताओ। चल कोई नहीं, तूने अपने ढंग से कर दिया, उन्होंने अपने ढंग से कर दिया। ऐसा करना, इसे तेरे वो अपने जन्मदिन पे तैयार करवा लेना। ये तो सही कह रही हो मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ दीदी आई अभी तक नहीं आई? फ़ोन वोन आया उनका? नहीं अभी नहीं आई, अभी मैंने करा था आधे घंटे पर पहले फ़ोन, कह रही थी मम्मी अभी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। हाँ मम्मी वो तो है, मुझे भी आधे घंटे के रास्ते में ना पूरा 1.5 घंटा लग गया। ठीक है बहू, ऐसा कर तू अभी ये सामान रख दे, और खाना लेकर आई है तू कह रही थी वो उसको फ्रिज में रख दे, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। बड़ी देर लग गई बहू तुझे तो। क्या करती मम्मी जी, गाड़ी है ना आगे जाम के मारे खिसकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतना जाम हो रहा था। ऐसे रेंग रेंग के गाड़ी चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे है ना पैदल ही उतर कर चल लूं यहाँ से। हे भगवान, और इतनी गर्मी में उधर गाड़ियों की पै पै पो पो, सिर में दर्द हो गया मेरे तो। CNG भरवाने के लिए वहाँ गाड़ी से उतरे थे, पेट्रोल पंप पे भी इतनी भीड़, बाप रे, गर्म हवा के वहाँ पे भी ऐसे थप्पड़ से लग रहे थे, पूछो मत। प्रिया आ गई क्या? हाँ आ गई, वो भी हो गई, उसे भी देर आए हुए। अरे दीदी आपने तो बड़ी देर लगा दी। बस बहन पूछ मत। और बड़ी बहू क्या क्या ले आई, भाई की जेब ज़्यादा खाली तो नहीं करके आई? भाई की जेब का तो पता नहीं, पर अब की बार तो है ना मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। क्यों क्या हुआ, पैसे वैसे चोरी हो गए क्या, या फिर वो? नहीं मम्मी जी, पैसे वैसे तो चोरी नहीं हुए। तो फिर दीदी क्या नुकसान हो गया? बस बहन पूछ मत, अब तुझे तो पता है अब की बार मैं कितना महंगा महंगा सामान खरीद कर लेके गई थी अपने वहाँ भैया भाभी और भतीजे के लिए, और दिया क्या उन्होंने मुझे, 1500 रुपये। अरे इतने की तो मैं अपने भतीजे के लिए ड्रेस खरीद कर लेके गई थी, भैया के लिए घड़ी, और भाभी के लिए कितना महंगा वो AD का सेट लेकर गई थी मैं, फल मिठाई सब वो रह गए अलग। मैं कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का सामान लेकर गई थी वहाँ पर, और मिला क्या, 1500 रुपये। और भाभी ने फिर चलते चलते वो एक साड़ी पकड़ाई है मुझे, वो भी ऐसी ही थी। अरे मम्मी जी कम से कम मेरे भाभी को तो सोचना चाहिए था ना कि मेरी नंद आई है इतना खर्चा करके आई है, अरे कम से कम उसकी भरपाई तो कर दूँ। रेनू तू बुरा मत मानना, पर तू मुझे एक बात बता, तू अपने भैया भाभी के साथ त्यौहार मनाने गई थी या अपना सामान बेचने? अरे तू किस्मत वाली है, तू कम से कम अपने भाई भाभी के साथ ये त्यौहार तो मना पा रही है। अरे जरा उनकी सोच, जिनके भाई ही नहीं हैं, वो बहनें बाजार जाती होंगी, बाजार में राखियाँ ऐसे टंगी देख के वो भी सोचती होंगी काश उनका भाई होता तो आज के दिन वो भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती, उनकी आरती उतारती। भगवान का शुक्र मना कि उसने तुझे भाई तो दिया। बहू ये राखी का त्यौहार लेन देन का नहीं, भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। बड़ी बहू तूने त्यौहार की कीमत पहचानी ही नहीं। हाँ मानती हूँ भाई बहन में थोड़ी बहुत खट्टी मीठी नोकझोंक होनी चाहिए, पर त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाना चाहिए बेटा, उसे व्यापार नहीं बनाना चाहिए। हाँ दीदी मम्मी जी सही कह रही हैं, अरे हम बहनें बहुत खुशकिस्मत हैं, कम से कम हमारे भैया भाभी हमें याद तो कर लेते हैं त्यौहार के दिन, अपने घर तो बुला लेते हैं। जरा उन बहनों की सोचो जिनके भाई होते सोते पे भी उनको उनके भाई घर नहीं बुलाते, उन बहनों पर क्या बीतती होगी, मुझे तो सोच के ही रोना आ जाता है। और जरा सोचो दीदी जो आप ये नुकसान की कह रही हो, क्या आपके भैया ने सामान लाने के लिए कहा था या फिर आपकी भाभी ने, आप अपने मन से ही लेकर गई थी ना उनके लिए, फिर आपका नुकसान कैसे हुआ? दीदी ये तो गलत है ना। हाँ प्रिया तू सही कह रही है, अरे हम तो बड़े खुशनसीब हैं
कम से कम भैया भाभी हमें याद करके बुला तो रहे हैं। और मम्मी जी आप भी सही कह रही हो, आजकल रिश्तों में प्यार कम व्यापार ज़्यादा बन गया है। आगे से मैं कभी अपने भैया भाभी के लिए ऐसा नहीं सोचूंगी।